गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस वीडियो। इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू चैप्टर, इंट्रोडक्शन टू फ्लैश सीएस 3। आज हम एक नया चैप्टर की शुरुआत करने जा रहे हैं जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू फ्लैश सीएस 3। जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू फ्लैश सीएस 3। ये फ्लैश सीएस 3 क्या है? एक कंप्यूटर एनिमेशन सॉफ्टवेयर है जिसका यूज करके आप कंप्यूटर एनिमेशन क्रिएट कर सकते हो, तो उसके बारे में पढ़ेंगे। पहले ये देख लेते हैं, एक्टिविटी दी है, लेट्स स्टार्ट। नेम दिस फेमस कार्टून मूवी यूजिंग वर्ड गिवन इन द हेल्प बॉक्स। ऑल दिस मूवीज हैव मेड यूज ऑफ फ्लैश सॉफ्टवेयर इन वन वे आर द अदर वे। या कुछ मूवीज के कुछ फेमस कैरेक्टर दिए गए हैं, उनको आपके नेम लिखना है। जैसे ये जो पहला है, ये क्या है? बोल्ट, जानते हो ना, देखते हो, अगर देखते हो जानते ही होगे। तो इसको क्या कहा गया? बोल्ट है ये। इसको यहां से मैच कर दोगे, यहां लिख दोगे ये बोल्ट है। नेक्स्ट राटोलेल, ये है। नेक्स्ट कुंफू पांड्या, एक कुंफू पांडा है और ये रॉबिन हुड। तो यहां नाम लिखोगे तो इस पे लिखोगे इसका, इस पे तो ये इस तरीके से लिख दोगे नाम। तो ये आप कर लोगे। चलो आप पढ़ते हैं, इस चैप्टर को शुरू करते हैं। व्हाट इज एनिमेशन? एनिमेशन इज टेक्निक ऑफ क्रिएटिंग एन इल्यूशन ऑफ मूवमेंट बाय रैपिडली डिस्प्लेइंग अ सीक्वेंस ऑफ स्टिल इमेजेस विद स्लाइटली वेयरिंग पोजीशंस और पोस्चर्स। एनिमेशन एक टेक्नोलॉजी, एक टेक्निक है, क्या करने के लिए? एक मूवमेंट क्रिएट करने के लिए, इल्यूशन ऑफ मूवमेंट। कैसे? बाय रिपीटेडली डिस्प्लेइंग अ सीक्वेंस ऑफ स्टिल इमेज। बहुत सारे इमेजेस होंगे, स्टिल इमेजेस, उनको हम तेजी से सीक्वेंस में दिखाएंगे जो कि अलग अलग पोजीशन या पोस्चर में होंगे। तो वो जो इल्यूशन बनता है, इल्यूशन ऑफ मोमेंट, वो ही एनिमेशन कहलाता है। इन अर्लियर डेज क्रिएटिंग एनिमेशन मूवी वॉज वेरी टीडियस प्रोसेस, बहुत कठिन था पहले मूवीज बनाना। वन नीडेड टू ड्रॉ सिमिलर लुकिंग बट स्लाइटली डिफरेंट इमेज मैनुअली एंड सेपरेट शीट ऑफ पेपर्स। हम करते क्या थे? सिमिलर लुकिंग यानी एक तरीके के, लेकिन उनका जो पोस्टर होता था वो चेंजेज होता था, उसको बहुत सारे हम शीट पेपर पे बनाते थे। दिस इन्वॉल्व्ड अ लॉट ऑफ रिपीटेटिव वर्क, कई काम को बहुत बार हम करते थे। देयर आफ्टर अ मैकेनिज्म वाज नीडेड टू डिस्प्ले दिस इमेज रिपीटेडली इनफ टू क्रिएट एन इल्यूशन एज इफ मूवमेंट वाज टेकिंग प्लेस इन द इमेजेस। तो इसमें बहुत सारा समय लगता था क्योंकि ये कई काम हम बहुत बार करते थे। इसके बाद एक मैकेनिज्म आया या जिसकी जरूरत पड़ी कि इनको हम कैसे रिपीटेडली। दीज डेज हाउएवर दीज हैव इम्प्रूव्ड द यूज ऑफ कंप्यूटर्स एंड एनिमेशन सॉफ्टवेयर हैज मेड द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग एन एनिमेशन मूवीज सिंपल एंड लेस टाइम कंज्यूमिंग। आज के समय में कंप्यूटर का यूज और एनिमेशन सॉफ्टवेयर्स का यूज जो है वो बहुत ही इस प्रोसेस को इजी कर दिया है। क्या बनाना? एनिमेशन मूवीज या एनिमेशन क्रिएट करना, कम टाइम में, लेस टाइम में आप एक सिंपल मूवी क्रिएट कर सकते हो। द टेक्निक ऑफ क्रिएटिंग मूवी इमेजेस यूजिंग कंप्यूटर एनिमेशन सॉफ्टवेयर इज कॉल्ड कंप्यूटर एनिमेशन ऑन कंप्यूटर जनरेटेड इमेजेस। जो प्रोसेस या टेक्निक जो हम यूज करते हैं कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और कंप्यूटर एनिमेशन सॉफ्टवेयर का, कंप्यूटर और एनिमेशन सॉफ्टवेयर्स का,
क्या करने के लिए, कंप्यूटर एनिमेशन क्रिएट करने के लिए, उसको हम कंप्यूटर एनिमेशन कहते हैं या कंप्यूटर जनरेटेड इमेजेस कहते हैं। तो समझ में आ गई चीजें। अब हम बात करेंगे एनिमेशन सॉफ्टवेयर्स क्या होते हैं। एन एनिमेशन सॉफ्टवेयर स्पेशल टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर दैट कंटेन्स टूल एंड फीचर्स टू अलाउ अस टू क्रिएट कंप्यूटर एनिमेशन। जो एनिमेशन सॉफ्टवेयर होते हैं जैसे कि फ्लैश, एडोब फ्लैश, ये एक तरह के सॉफ्टवेयर होते हैं दैट कंटेन्स वेरियस टूल्स। यूजिंग दैस टूल्स यूज वी कैन क्रिएट कंप्यूटर एनिमेशन। एनिमेशन सॉफ्टवेयर हेल्प अस टू क्रिएट कंप्यूटर एनिमेशन यूजिंग अ नंबर ऑफ टूल्स एंड फीचर्स गिवन। ओके, ये जो सॉफ्टवेयर होते हैं ये हमको हेल्प करते हैं, हमारी मदद करते हैं कंप्यूटर एनिमेशन बनाने के लिए। इसमें बहुत सारे टूल्स और फीचर्स दिए गए होते हैं जिनका यूज करके हम कंप्यूटर एनिमेशन बना सकते हैं। देयर आर अ लार्ज नंबर ऑफ एनिमेशन सॉफ्टवेयर अवेलेबल दीज डेज इंक्लूडिंग फ्लिपबुक, ब्लेंडर, 3D स्टूडियो मैक्स, माया एंड ऑफकोर्स द एडोब फ्लैश। ये सारे जो नेम आप देख रहे हो ये क्या है, ये एनिमेशन सॉफ्टवेयर है, इनका यूज करके आप एनिमेशन क्रिएट कर सकते हो। एडोब फ्लैश इज पॉपुलर एनिमेशन सॉफ्टवेयर फॉर क्रिएटिंग एनिमेशन गेम्स एंड इवन फुल लेंथ एनिमेशन मूवीज कंप्लीट विद साउंड एंड स्पेशल इफेक्ट्स। अब जो एडोब फ्लैश है वो क्या है, पॉपुलर सॉफ्टवेयर है, एनिमेशन सॉफ्टवेयर है, जिसका यूज करके आप कोई एनिमेशन बना सकते हो, गेम बना सकते हो, मूवी बना सकते हो, जिसमें आप साउंड और स्पेशल इफेक्ट्स का भी यूज कर सकते हो। यानी एडोब फ्लैश इज एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यूज फॉर क्रिएटिंग एनिमेशन। इट्स हेल्प अस टू क्रिएट एनिमेशंस, गेम्स, मूवीज विथ साउंड एंड स्पेशल इफेक्ट्स। इट्स प्रोवाइड्स नंबर ऑफ टूल्स फीचर्स। यूजिंग दैट फीचर्स टूल्स वी कैन क्रिएट एनिमेशन मूवीज, एनिमेशन गेम्स। ओके, फ्लैश इज स्पेशली सुटेबल फॉर क्रिएटिंग एनिमेशन फॉर वेबसाइट सिंस द साइज ऑफ फ्लैश मूवीज वेरी स्मॉल विच मेक देम ईजी टू अपलोड एंड डाउनलोड। फ्लैश जो होता है स्पेशली हम इसका यूज करते हैं सिंपल मूवीज, सिंपल एनिमेशन मूवीज बनाने के लिए स्मॉल साइजेस के। तो इस अगर आप कोई वेबसाइट बनाया हो उस पर कोई एनिमेशन क्रिएट करना है तो उसके लिए सुटेबल है। एनिमेशन मेड यूजिंग एनिमेशन सॉफ्टवेयर आर मोस्टली ट्विंड एनिमेशन। जो सॉफ्टवेयर से एनिमेशन बनते हैं वो क्या होते हैं, मोस्टली ट्विंड एनिमेशन, वेयर एन आर्टिस्ट इज रिक्वायर्ड टू ड्रा ओनली की इमेजेस एंड सॉफ्टवेयर विल ड्रा द इंटरमीडिएट इमेजेस ऑटोमेटिकली। ये ट्विंड एनिमेशन क्या होते हैं, ट्विंड एनिमेशन में हमको सिर्फ 2 पॉइंट डिफाइन करने होते हैं किसी भी एनिमेशन का, 2 पॉइंट हम कोई डिफाइन कर देंगे, बाकी उसके बीच के जो इंटरमीडिएट एनिमेशन है वो सॉफ्टवेयर खुद ऑटोमेटिकली डिजाइन कर लेता है। कैसे हम इसको स्टार्ट करेंगे, गेटिंग स्टार्टेड विद फ्लैश CS3। तो फ्लैश CS3 स्टार्ट करना कैसे कर सकते हैं, क्लिक ऑन स्टार्ट बटन, देन ऑल प्रोग्राम, इन ऑल प्रोग्राम सेलेक्ट एडोब डिजाइन प्रीमियम CS3। जैसे आप इसको सेलेक्ट करोगे फ्लैश CS3 प्रोफेशनल का ऑप्शन आएगा, उस पर क्लिक कर दोगे तो ये आपका फ्लैश जो है CS3 ओपन हो जाएगा और ये जो स्टार्टिंग विंडो है उसका ये वो आपके सामने आ जाएगा। ओके, तो इसको ओपन कैसे करेंगे, हम स्टार्ट बटन, ऑल प्रोग्राम्स, फिर एडोब डिजाइन प्रीमियम CS3 पर क्लिक करेंगे तो फ्लैश CS3 का ऑप्शन आएगा, उस पर क्लिक करके हम इसको ओपन कर सकते हैं। ओके,